हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के उन प्रश्नों की जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपको देना है, तो हमारे वीडियो रेगुलर देखते रहिए। इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक आप देखेंगे तो ज़रूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक सीखने को मिलेगी दोस्तों, जिससे क्या होगा, कम समय में आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है कि 3/15 में कितने 1/5 हैं। इस तरह का प्रश्न दोस्तों आप पर आपने पहले कभी नहीं किया है तो फिर आप इसे नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में। अगर दे दिया तो 3/15 में कितने 1/5 है, तो इसे करने का जो सरल तरीका है, देखिए उसे देख लीजिए। इसे करने का सरल तरीका क्या है, क्या दे रखा है, 3/15 में क्या है, कितने 1/5 है। तो हम करते क्या है, 3/15 में कितने 1/5 है, इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। जैसे मैं ये कहूँ आपसे कि 9 में, ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस 9 में कितने 3 हैं, 3/15 में कितने 1/5 हैं, उसी तरीके से मैं कहूँ कि 9 में कितने 3 हैं, तो कैसे पता चलेगा कि 9 में कितने 3 हैं। आप क्या करेंगे, इस 9 में इस 3 से डिवाइड कर देंगे, इस 9 में इस 3 से आप डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, आप बोलेंगे सर 3 बार जाएगा, तो 3 9 हैं। जैसे अगर मैं कहूँ इस 8 में कितने 2 हैं, इस 8 में कितने 2 हैं, तो इस 8 में मैं क्या करूँगा, इस 2 से अगर डिवाइड दे दूँगा तो मुझे पता चल जाएगा 8 में कितने 2 हैं, 4 2 हैं भाई, 2 2 2 2, 4 2 हैं, तो मैं 4 बार लिख लिया, 4 को जोड़ूंगा 1 2 3 4, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई। तो हम करते क्या हैं, इस संख्या में इस संख्या से डिवाइड देते हैं, तो दे लीजिए 3/15 में क्या करूँगा, डिवाइड दूंगा 1/5 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 3/15 है। अब देखिए डिवाइड दे रखा है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो संख्याएँ पलट जाएंगी, 5 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इतनी बात दोस्तों क्लियर है, संख्याएँ पलट जाती हैं, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं संख्याएँ पलट जाती हैं, ठीक है। अब इसको बस कटा लेना है, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा, बस कटा लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 का मल पे 5 से होगा तो कितना हो जाएगा, 15। 15 का मल पे 1 से होगा, 15 एकम 15, और 15 से 15 कितनी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, तो आपके प्रश्न का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। 3/15 में कितने 1/5 हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 1/5 है, ठीक है, सिर्फ 1 है जो 1/5 है 3/15 में, आंसर आ गया। सभी के समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7/20 में कितने 1/10 हैं। देखिए अगर पिछले क्वेश्चन में किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो इस प्रश्न में अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए 7/20 में कितने 1/10 हैं, तो क्या करेंगे, 7/20 को लिखेंगे, डिवाइड आपको करना है 1/10 से, इस संख्या में से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1/10 से आपको डिवाइड करना है। अब देखिए 7/20 आप ऐसे ही लिखेंगे, इससे डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो संख्या पलट जाएगी, 10 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इतनी बात दोस्तों सभी की समझ में आ गई, ठीक है। सभी की समझ में जब इतनी बात आ गई, अब इसको करने में कुछ भी नहीं बचा है, बस काट लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं देखिए इसे कटाऊँगा, 7 का मल्टीप्लाई 10 से करूँगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 70 हो जाएगा, और 20 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो ये 20 हो जाएगा, 0 से काटूंगा 0 हो जाएगा, 7/2 आपका आंसर आ गया। ऊपर कितना बचा, 7/2 में कितना बचा, 2, 7/2 आपका आंसर है, 7/2 दे रखा बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अगर पिछले क्वेश्चन में कोई बात समझ में नहीं आई थी तो इस प्रश्न में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए बी तथा सी एक काम को 4, 5 तथा 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं, यदि सब मिलाकर काम करते हैं और उन्हें पूरे काम की मजदूरी 777 रुपये मिलती है तो ए का भाग ज्ञात करो। आपके पास दोस्तों 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति काम करते हैं, कौन कौन, ए काम करता है, बी काम करता है और सी। ए कितने में करता है, 4 घंटे में करता है, बी करता है 5 घंटे में और सी करता है 6 घंटे में। अब इन्होंने काम कितना किया वो आपको नहीं पता, अगर हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल काम कितना है, 4, 5 और 60 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो टोटल काम पता चल जाएगा। तो इनका एलसीएम दोस्तों लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसका मतलब जो टोटल वर्क है, टोटल काम है, वो 60 है, ठीक है। अब देखिए आपका जो ए है वो 1 घंटे में करता है 4,
एक घंटे में चार करता है, तो इस 60 को कितने में कर लेगा, 4 से डिवाइड दे दो 60 में, कितने में कर लेगा दोस्तों, 4 से बैठेंगे ये कर लेगा दोस्तों 15 बार में, 15 चौके 60 होता है। 5 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, आप कटेंगे 12 बार में। 6 से कटाएंगे 10 बार में, ठीक है, समझ में आइए। ये दोस्तों आपका 4 घंटे में करता है, इसका मतलब टोटल काम कितने में कर लेगा, 15 में कर लेगा। एक बात समझ में आ गई। अब देखिए आपसे एक बात कही है, यदि सब मिलाकर काम करते हैं, अगर ये सब मिलाकर के काम करेंगे, ये दोस्तों सब मिलाकर के काम करेंगे तो सबको मिला देंगे आप, सब मिलाकर के काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे जी, देखिए 15 और 12 कितना हो जाएगा, 15 और 12 हो जाएगा दोस्तों आपका 27, 27 में 10 जोड़ेंगे 37, ठीक है। तो इस सब मिलाकर काम करेंगे तो एक घंटे में कितना कर लेंगे, 37 काम कर लेंगे आपका। देखिए जो ए है वो 4 घंटे में काम ख़त्म कर रहा है, देखिए ए 4 घंटे में काम ख़त्म कर रहा है, तो इसका एक घंटे का काम 15 है, एक घंटे का 15 है तभी तो 4 घंटे में 60 काम कर लेगा ये। बी का एक घंटे का काम 12 है, एक घंटे में 12 काम करेगा तभी तो 5 घंटे में 60 काम कर लेगा। तो ये जो निकल के आया है इनका एक एक घंटे का काम, तो एक घंटे में तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 37 काम करेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर दे रखा है कि उन्हें पूरे काम की मजदूरी 777 रुपये मिलती है, कितनी मिलती है दोस्तों, 777 रुपये मजदूरी मिलती है। तो क्या करेंगे, इस 777 में इस 37 से आप भाग कर देंगे, क्लियर, इस 37 से आप भाग कर देंगे। तो 37 से देखिए अगर आप पूरा पूरा इसे कटाएंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा 21 बार में। अब आप कहेंगे सर आपको तो मालूम था तो आपने डायरेक्ट कटा दिया, हम कैसे कटाएंगे इतनी बड़ी संख्या को। देखिए 37 से 770 को आप कटा रहे हैं तो 37 से देखिए 10 बार में कितना कटेगा, 37 से 10 बार में कितना कटेगा, 370 कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 10 बार में, ठीक है। फिर 10 बार में कितना कटेगा, 370 कटेगा 10 बार में, 10 और 10 टोटल कितनी बार में कट गया, 20 बार में, और कट कितना गया, 370 370, अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 740। 10 और 10 20 बार में कितना कट गया, 740 कट गया, 777 में से 740 कट गया, 777 में से 740 कट गया, तो कितना बचेगा दोस्तों, 37 ही तो बचेगा, तो 37 से 37 एक बार में कट जाएगा, तो 20 बार में यहाँ कटा, 37 से 37 एक बार में कटेगा, टोटल कट गया 21 बार में। अब आपसे क्या पूछा है कि ए का भाग ज्ञात कीजिए, ए का भाग हमको ज्ञात करना है, तो ए का एक घंटे का भाग कितना है दोस्तों, 15 है, कितना है, ए का भाग 15 है। तो इस 15 में क्या करेंगे, इस 21 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा ए का भाग कितना है, ठीक है, कर दीजिए मल्टीप्लाई, 15 एकम 15 का 5, कैरी का 1, 15 दूनी 30 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 31। तो ए का भाग जो है वो है 315 दे रखा है बी ऑप्शन में। अगर बी का भाग पूछ ले तो 21 का मल्टीप्लाई 12 में कर देंगे, सी का भाग पूछ ले तो 21 का मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे आप। उम्मीद करता हूँ प्रश्न सभी की समझ में बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 19x² = 100² - 90² है तो x का मान ज्ञात करो। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या ट्रिक लगेगा, आपको संख्याओं को ध्यान से देखना है। जब आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर जो संख्या दे रखी है वो क्या दे रखी है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है कि नहीं होता। तो संख्याओं को ध्यान से देखेंगे आपकी समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आपका लग रहा है, ठीक है। तो ये संख्या क्या होगी आपकी, ए हो गई, और ये वाली क्या हो गई, बी हो गई, ठीक है, सबकी समझ में बात आ गई। तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं, इस फॉर्मूले के अनुसार हमको ये सॉल्व करना है, आपको मालूम है। तो यहाँ पर क्या दे रखा उसे लिखिए, 19x² दे रखा है बराबर, इसने पूरे की जगह में इसको सॉल्व करूँगा तो ए प्लस बी करूँगा, ए आपका 100 है, प्लस बी करूँगा, बी 90 है। तो यहाँ पर चलिए मैं लिख लेता हूँ, ए आपका 100 है प्लस बी आपका 90 है, लिख लिया, या लिखेंगे ए आपका 100 है माइनस बी 90 है, लिख लिया। मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये रहेगा 19x² बराबर 100 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा, ठीक है, इनटू 100 में से 90 माइनस कर दूंगा 10 हो जाएगा, क्लियर इतनी बात। अब देखिए यहाँ पर बराबर में है, मल्टीपल में है, तो 19 से 19 एक बार में कटेगा और एक ही जीरो आ जाएगा, मतलब 10 बार में कट गया, ठीक है। और 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इधर क्या बचा, x². तो x² की वैल्यू 100 निकल के आई है, लेकिन x² नहीं, आपको x² का मान नहीं चाहिए, आपको x का चाहिए। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो बराबर के इधर आएगा, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा,
क्लियर। यहाँ से स्क्वायर हटके बराबर के इधर आएगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो 100 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है कितना होता है, 10 होता है। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपको पता है, 10 निकल के आ गई, और 10 दे रखा पहले ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक्स की पावर 2 प्लस 7x प्लस 10 के गुणनखंड हैं। इसके दोस्तों गुणनखंड पूछे गए हैं, अगर आपको गुणनखंड बनाना नहीं आता है तो सीख लीजिए। क्या संख्या दे रखी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10। ठीक है, देखिए होता क्या है, यहाँ पर जो 10 दे रखा है बीच में 7x, तो हम करेंगे क्या, इस 7x का कुछ ऐसा करेंगे कि जोड़ने घटाने से कि हमें 7x भी मिल जाए और कुछ करने से हमको 10 भी मिल जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो आपका एक्स स्क्वायर दे ही रखा है, प्लस मैं इस 7x को क्या लिख सकता हूँ, 5x प्लस का 2x लिख सकता हूँ, 5 और 2 कितना हो जाएगा मिलकर के 7x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं 5 का 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 दुनिया का कितना हो जाएगा, और 10 भी हो जाएगा। तो देखिए हमें गुणनखंड में यही करना होता है कि कुछ करने से ये संख्या भी मिल जाए और ये भी मिल जाए। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस का 10 दे रखा है। अब मैं इसमें से क्या करूँगा, x को यहाँ से कॉमन ले लूँगा, x को यहाँ से दोस्तों मैं अगर कॉमन ले लूँगा, कॉमन ले लिया मैंने x, तो क्या बचेगा दोस्तों, जब मैंने x को यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x प्लस 5। ठीक है, x प्लस 5 बचेगा, प्लस का है तो प्लस का 5। और देखिए कॉमन जब मैंने 5 लिया है यहाँ से, तो यहाँ 10 में से 5 चला गया, समझ में आई दोस्तों बात, 10 में से कॉमन कहाँ चला गया, ये 5 चला गया, इसमें से भी कॉमन 5 आ गया, तो प्लस का 2 बचा, x तो कॉमन में चला गया तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा इन टू। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर में थे, एक एक्स आ गया यहाँ पर, तो एक एक्स कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, प्लस अब इस 10 में से हमने कॉमन लिया था जब 5, तो 5 चला गया और 5 फिर भी यहाँ पर बचा है। आई दोस्तों बात समझ में, नहीं आई तो एक बार फिर से समझिए, ये वाला पैटर्न समझ में आ गया। अब इससे हमें ये वाला बनाना है, मैंने क्या किया, एक्स कॉमन लिया, यहाँ पूरे में से मैंने एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स, तो इसमें से दोस्तों एक एक्स कॉमन आ गया, एक एक्स कॉमन आ गया यहाँ पर, तो एक एक्स अभी बचा है, जो बचा हुआ एक्स है वो यहाँ पर आ गया आपका। ठीक है, समझ में आई बात, तो मैंने एक्स यहाँ से कॉमन लिया, ये रहा 5, जब कॉमन लिया तो 5 यहाँ से भी कॉमन आ गया, जब 5 यहाँ से कॉमन आ गया 5 फिर भी बचा, और जो एक्स बचा था वो यहाँ पर आ गया। अब देखिए मैं इसमें से कॉमन लूँगा तो एक्स प्लस 5 यहाँ पर भी है, एक्स प्लस 5 यहाँ पर भी है, तो एक्स प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, ये एक्स बचेगा, प्लस का ये 2 बचेगा। ठीक है, तो एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 2 कहाँ दे रखा है, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 2 पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात, गुणनखंड की थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आपको गुणनखंड बनाने नहीं आते हैं तो। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक टेनिस खिलाड़ी ने खेले गए 18 मैचों में से 12 हार गई, कितने मैच खेले, 18 खेले, 18 में से कितने हार गए दोस्तों, 12 हार गई। ठीक है, अब टोटल 18 खेले हैं, 18 में से 12 हार गई, तो जीती कितनी दोस्तों, 6 मैच जीते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, भाई 18 मैचों में से 12 हार गई तो जीते कितने, 6 जीते, तो पूछ रहा है जीते हुए मैचों की संख्या दशमलव में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कितने जीते हैं दोस्तों, 6 मैच जीते हैं, कितने में से जीते हैं, 18 में से जीते हैं, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है दशमलव में। सबसे पहले कटेगा 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, तो ये 1/3 हो गया। अब 1/3 हो गया तो 3 से मैं अगर इसमें भाग जाऊँगा क्या जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, तो दशमलव लग जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 3 त्रिक 9 कटेगा, 1 बचेगा फिर से 10, 3 त्रिक 9, 1 बचेगा फिर से 10, 3 त्रिक 9, तो यही चलता रहेगा। तो ये आपके प्रश्न का सही आंसर है, 10.333 कहाँ दे रखा है, 10.333 डी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि कक्षा एक में 20 छात्रों की आयु का औसत 10 वर्ष है, देखिए कक्षा एक में 20 छात्रों की आयु का औसत कितना है, 10 वर्ष है, 20 छात्र हैं, औसत 10 है, तो योग हमें पता कर सकते हैं, संख्याओं का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे योग पता चलेगा, तो 20 का मल्टीप्लाई 10 से करूँगा कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 200 कितना हो जाएगा, योग। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि कक्षा दो में 25 छात्रों की आयु का औसत 12 है, छात्र कितने हैं 25 छात्रों की आयु का औसत कितना है 12, औसत 12 है, तो योग कैसे पता करेंगे कि 25 का मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे, योग पता चल जाएगा,
25 का मतलब 12 से करूँगा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, तो इनका योग कितना हो गया 300 हो गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि सभी छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें, तो सभी छात्र कितने हैं 20 25 45 हैं, हमें क्या पता करना है औसत, औसत मतलब ये जो बीच वाली संख्या है ये, तो देखिए योग कितना है, छात्र टोटल 45 हैं, 45 छात्रों का योग कितना है 200 300 500, ठीक है। तो हमें औसत पता करने के लिए क्या करेंगे कि जब योग पता करते हैं तो संख्याओं का मल्टीप्लाई औसत में करते हैं, योग पता चलता है। अगर हमें औसत पता करना तो संख्या से डिवाइड दे दो योग में, औसत पता चलेगा। तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, संख्याओं से डिवाइड दे दूँगा योग में, औसत पता चलेगा। संख्याएँ कितनी है 45, पहले से मैं कटाऊँगा, देखिए 5 से कटाऊँगा ये 100 बार में कट जाएगा, और 5 से ये कटाऊँगा 5 में 45 9 बार में। अब 9 से इसे कटाऊँगा, 9 एकम 9 10 में से 9 करके 1 बचेगा, फिर से 10 9 एकम 9 1 बचा नहीं जाएगा दशमलव, फिर से 10 फिर से 9 एकम 9 फिर से 9 एकम 9, ठीक है। तो 11.11 किस ऑप्शन में दे रखा है, यही चलता रहेगा बी ऑप्शन में, 1 बचेगा फिर से 0.1, ठीक है। तो यही चलता रहेगा बी ऑप्शन, आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।